मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नंद कुमार जी, श्रीमान सुरेंद्र पटवा जी, कुंवर विजय शाह जी, विश्वास सारंग जी, अंतर सिंह आर्य जी, ओम प्रकाश ध्रुव जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, नागर सिंह चौहान जी, श्रीमान माधो सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पर आईने धन्य थायो, आ धरती वीर सपूतोनी छे, इना क्षेत्रनी संस्कृति खास छे, खास करीने भीलोनी छे, तमारे ऐ नर्मदा माय अवीरे तमुन बदाने बधाई छे, इना क्षेत्र दादाजी धुणी वालो अने संत सिंगाजी नो आशीर्वाद मल्यो छे। आजादी नी लड़ाई मा इना क्षेत्र मा आदिवासी रणबांकुरो नो योगदान कम नथी छे। हुं अमर शहीद आजाद अने बदाने नमन करू छु। आज अगस्त क्रांति दिवस है। 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने हिंद छोड़ो एक आह्वान किया था अंग्रेजों को, क्विट इंडिया अंग्रेजों को ललकारा था, और 9 अगस्त को अंग्रेज सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में आजादी के दीवानों को पर जुल्म ढोने लगी थी। आज उस घटना को 75 साल हो रहे हैं, और आने वाली 15 अगस्त देश आजाद हुआ था उसको 70 साल हो रहे हैं, और इसलिए एक ऐसा अवसर है हम फिर एक बार उन आजादी के दीवानों को याद करें जिन लोगों के अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन आहुत कर दिया, जिनके कारण आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। हम एक स्वतंत्रता का जो महसूस कर रहे हैं वो उन आजादी के दीवानों की त्याग तपस्या और बलिदान का परिणाम है। हमारे जिन पूर्वजों ने हमारे लिए जान की बाजी लगा दी, जिंदगी खपा दी, अपने परिवारों को उजाड़ दिया, अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया, उनके संतानों के नाते
ये 125 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे लिए आजादी देने वाले इन सभी महापुरुषों का स्मरण करें जिन महान उद्देश्यों को लेकर के वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, उन महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम प्राण लें, जो भारत का सपना उन्होंने देखा था, जिस भारत को सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने जो संकल्प किया था, उस सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने आप को किसी न किसी जिम्मेवारी के साथ बांध दें। हर हिंदुस्तानी का कोई संकल्प हो कि मैं भी देश के लिए कुछ करूंगा। जब हम टंटिया भील को याद करते हैं, जब हम भीमा नायक को याद करते हैं, जब हम राणा बख्तियार सिंह को याद करते हैं, जब हम देश के लाखों समर्पित जीवनों को याद करते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि वे अपने लिए एक पल भी जिए नहीं थे। उनको पढ़ने लिखने का भी सौभाग्य मिला हो या न मिला हो, लेकिन आजादी का मतलब क्या होता है इसको उनको पूरी पूरी तरह पता था, और उसको पाने के लिए वो खुद सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार थे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पर आजाद मंदिर में आकर के सर झुकाने का मुझे अवसर मिला, नमन करने का अवसर मिला। और जब ऐसे महापुरुषों का स्मरण करते हैं तो हमें भी देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, हम में से बहुत लोग हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। भारत की अधिकतम जनसंख्या जिन्होंने गुलामी देखी नहीं है, हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। जो लोग आजादी के लड़ते थे उन्हें तो देश के लिए मरने का मौका मिला, देश के लिए बलि चढ़ने का मौका मिला, देश के लिए अपने परिवार को लुटाने का सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य जिन्हें मिला वे अमर हो गए, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला है। लेकिन आज जब अगस्त क्रांति के 75 साल मना रहे हो, आजादी का 70वां साल मनाने की तैयारी कर रहे हो, तो हम भी संकल्प करें कि हमें चंद्रशेखर आजाद की तरह, भीमा नायक की तरह, टंटिया भील की तरह देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन कम से कम देश के लिए जीने का तो मौका मिला है। और हमारी कसौटी ये नहीं है कि देश के लिए हम बलि चढ़ जाए तब महान है। आज बलि चढ़ने का सौभाग्य संभव नहीं है, आज तो देश के लिए जीने का सौभाग्य हमें मिला है, देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है।
गांव हो, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके जीवन में बदलाव लाना, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करना। आजादी के 70 साल के बाद क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है कि कम से कम हमारे देश के हर गांव में बिजली पहुंचे? भाइयों बहनों, 70 साल ये कम समय नहीं है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में हजारों गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा है, बिजली का तार भी नहीं पहुंचा है। उस गांव के लोग 18वीं शताब्दी में जो जिंदगी गुजारते थे, 21वीं सदी में भी उन्हें वैसी ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो भी याद करते होंगे जब शाम के अंधेरे के बाद जिंदगी सो जाती होगी, तो वो भी याद करते होंगे कि आजादी के दीवानों ने इतना बलिदान दिया, मुझे बिजली कब मिलेगी? भाइयों बहनों, जब मैं सरकार में आया, मैंने जरा हिसाब किताब पूछा, भाई बताइए क्या है। 18,000 से भी ज्यादा गांव ऐसे निकले कि जिन गांव के लोगों को अभी 21वीं सदी में भी बिजली क्या है ये अनुभव नहीं हुआ था। भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया कि इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाऊंगा। पिछले 15 अगस्त को लाल किले से मैंने घोषणा की थी कि 1,000 दिन के अंदर इस काम को पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 1,000 दिन में पूरा करने का प्रयास करूंगा। भाइयों बहनों, अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और करीब करीब आधे से अधिक गांवों का काम पूरा हो चुका है, बिजली पहुंच चुकी है, खंभे लग गए, तार लग गए, घर में लट्टू लग गया और बालक पढ़ना भी शुरू कर दिए। भाई, विकास हो, हर सरकार विकास के लिए प्रयास करती है। अब ये नहीं कहते कि 70 साल में किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन 70 साल में जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, ये मुसीबत हम भोग रहे हैं, इससे मुझे देश को बाहर लाना है। आज भी हमारी बेटियां शिक्षा से वंचित रह जाए, स्कूल हो, टीचर हो, गांव में बालक हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पढ़ाई न हो, तो मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 70 साल में हम संकल्प करें कि हमारे गांव में एक भी बालक स्कूल से हम छूटने नहीं देंगे, उसको पढ़ाई के बाहर रहने नहीं देंगे, हम कुछ ना कुछ उसको पढ़ा के रहेंगे। क्या ये मेरे देशवासी संकल्प नहीं कर सकते? स्कूल है, टीचर है, सब है, सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे बालकों को स्कूल जाने के लिए हम प्रेरित न करें, प्रोत्साहित न करें, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा देश पिछड़ जाएगा। देश को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत होती है उस देश की जनशक्ति। रुपये पैसे तो आगे बढ़ाने में काम आते हैं, लेकिन देश आगे बढ़ता है जनशक्ति से, जनशक्ति के मिजाज से, जनशक्ति के संकल्प से, जनशक्ति के पुरुषार्थ से, जनशक्ति के सपनों से, जनशक्ति के बलिदान से, तब देश आगे बढ़ता है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासी
देश को आगे बढ़ाने का संकल्प टीम इंडिया के रूप में। इन दिनों संसद चल रही है, आपने देखा होगा एक के बाद एक जनहित के कानून पारित हो रहे हैं, लंबे अरसे तक जनता को लाभ होने वाले कानून पास हो रहे। अब इसको लागू करने के लिए नीचे तक सरकारी मशीनरी ने, सामान्य मानवी ने जुड़ना पड़ता है, तब जाकर के उसके लाभ मिलते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के आजादी के दीवानों ने देश के लिए बलिदान दिया था, इस देश को सुजलाम सुफलाम बनाने का। हमारा कश्मीर हमारे देशवासियों के लिए स्वर्ग भूमि है। हर हिंदुस्तानी का सपना होता है कि कभी न कभी कश्मीर जाना है, उसके मन में उस स्वर्ग भूमि देखने की इच्छा रहती है। लेकिन हम देख रहे हैं जो हिंदुस्तान पूरा कश्मीर को इतना प्यार करता हो, वहां कुछ मुट्ठी भर लोग, गुमराह हुए कुछ लोग कश्मीर की इस महान परंपरा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो मार्ग अपनाया था, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत का, उसी मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। और मैं मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों को आज चंद्रशेखर आजाद के इस महान पवित्र भूमि से कहना चाहता हूं, देश के आजादी के दीवानों ने जो ताकत हिंदुस्तान को दी है, वो कश्मीर को भी वही ताकत मिली है। जो आजादी हर हिंदुस्तानी अनुभव करता है, वो आजादी हर कश्मीरी को भी नसीब है। हम कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। हम कश्मीर के हर पंचायत को एक ताकत देना चाहते हैं। हम कश्मीर में जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। और मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को बधाई देता हूं कि कुछ लोगों के मलिन इरादों के बावजूद भी आन बान शान के साथ अमरनाथ यात्रा चल रही है। लाखों लोग अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। लद्दाख की धरती पर सोलार एनर्जी के नए अभियान चल रहे हैं। कश्मीर में शांति, एकता, सद्भावना, और मैं खास करके कश्मीर के युवकों को आह्वान करता हूं, आइए मेरे दोस्तों, आइए हम सब मिलकर के कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग बना करके रखे, इस सपने को लेकर के चले। आइए बहनों, कभी कभी पीड़ा होती है। जिन बालकों के हाथ में, जिन युवकों के हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, जिन बालकों के हाथ में वॉलीबॉल का बॉल होना चाहिए, क्रिकेट का बैट होना चाहिए, मैदानों में मस्ती से खेल होना चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी,
लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या होगा, मेरे इन भोले भाले बच्चों का क्या होगा। और इसलिए इंसानियत, कश्मीरियत, इसको दाग नहीं लगने दिया जाएगा, इसको चोट नहीं पहुंचाने दी जाएगी। जमहूरियत का रास्ता ही है, बातचीत का रास्ता है, संवाद का रास्ता है, लोकतंत्र के उसूलों का रास्ता है। इस आजादी का पर्व जब मनाने जा रहे हैं, मैं देश में भी कोई माओवाद के नाम पर, कोई उग्रवाद के नाम पर कंधे पर बंदूक निकले नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, कितना लहू बहा दिया, कितने निर्दोषों को गंवा दिया, लेकिन किसी ने कुछ पाया क्या? आइए कंधे से बंदूक उतारिए, खेत में हल उठाइए, ये लाल धरती हरियाली हो जाएगी, ये देश सुजलाम सुफलाम बन जाएगा। कश्मीर की वादियां, भाइयों बहनों, एक तरफ हम वो लोग हैं महबूबा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की सरकार हो या दिल्ली में बैठी हुई हमारी सरकार हो, हम वो लोग हैं जो विकास के मार्ग पर हमारी समस्याओं का, कठिनाइयों का रास्ता खोज रहे हैं, और वो लोग हैं जिनको विकास पच नहीं रहा, सिर्फ विनाश का ही रास्ता पकड़ के बैठे हैं। मैं देश के राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से मैं कांग्रेस पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि कश्मीर के मुद्दे पर हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक दलों ने बहुत ही मैच्योर वे में, पूर्णतया देशभक्ति के वातावरण में उस समस्या के समाधान के प्रयास किए हैं। आज भी हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल कश्मीर के विषय में एक स्वर से बोल रहे हैं, एक ही दिशा में जाने पर संकल्पबद्ध है, और यही हिंदुस्तान की ताकत है, यही हिंदुस्तान का सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर शांति चाहता है, कश्मीर का सामान्य मानवी टूरिज्म के आधार पर रोजी रोटी कमाता है। जो लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते थे वो श्रीनगर भी जाते थे, और वहां की रोजी रोटी के लिए टूरिज्म काम आता था। आने वाले दिनों में एप्पल की सीजन शुरू होगी, पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के एप्पल खाने के लिए लालायित रहता है। मेरे कश्मीर के भाइयों बहनों, कि आपका एप्पल हिंदुस्तान में पहुंचना चाहिए, आपने जो मेहनत करके खेती की है उसका पैसा आपको मिलना चाहिए, आपका बाजार चलना चाहिए, उसके लिए आपको जो मदद चाहिए भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, किसान हो, व्यापारी हो, फलों की खेती करने वाले लोग हो, आपको अपना व्यापार करना है, अपना रोजगार चलाना है। जम्मू कश्मीर की सरकार, दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल और 125 करोड़ हिंदुस्तानी सबको ही आपका भला चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, आपका विकास चाहते हैं, और आपके विकास के लिए हिंदुस्तान को जो कुछ भी देना पड़े वो देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर कहीं पर रास्ता दो मीटर कम हो जाएगा, 2 किलोमीटर कम होगा तो चलेगा, लेकिन हम आपका रास्ता कम नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हम विकास के मंत्र को लेकर के चले हैं, और आजादी के दीवानों को स्मरण करते हुए
कश्मीर की धरती पर भी देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की कोई कमी नहीं रही है। भाइयों बहनों, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसेतु, हिमाचल, ये पूरा हिंदुस्तान एक बन करके आजादी के सपनों के लिए मर मिटता था। आज समय की मांग है कि हम एक देश के रूप में एक सपने को लेकर के, एक संकल्प को लेकर के, एक मार्ग निर्धारित करके राष्ट्र को ऊंचाइयों की मंजिल तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ने का ये अवसर है। आने वाले दिनों में पूरे देश भर में तिरंगा यात्राएं चलने वाली है। ये तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा झंडा हम सबको जोड़ता है। ये तिरंगा झंडा वीर बलिदानियों की याद दिलाता है। ये तिरंगा झंडा भारत का भाग्य बदलने की प्रेरणा देता है। तिरंगे झंडे से बड़ा क्या होता है हमारे लिए? उस तिरंगे झंडे को लेकर के आजादी के 70 साल निमित्त गांव गांव, गली गली, फिर एक बार देशभक्ति का ज्वार चले। देश के लिए मर मिटना नहीं है तो देश के लिए कुछ करने का विश्वास पैदा हो, ये माहौल बनाना है। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा हिंदुस्तान आजादी के 70 साल देश में एक नया उमंग, नया उत्साह, नई चेतना जगाने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। आज मुझे यहां आने का अवसर मिला और मैं विशेष करके मध्य प्रदेश सरकार को, इस जिला के अधिकारियों को, छोटे मोटे सरकार के हर मुलाजिम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मैंने उतरते समय देखा चारों तरफ पानी भरा है और ऐसी कठिन परिस्थिति में आपने कैसे काम किया होगा, कल्पना करते ही मेरे मन में बड़ी चिंता होती है। कभी चिंता हो रही कहीं आप में से कोई बीमार ना हो जाए, क्योंकि आपने रात रात काम किया होगा तब जाकर के संभव हुआ होगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी प्रेरणा है कि आपने नींद भी छोड़ी होगी, बारिश में भी काम किया होगा, खाना भी इतने छोटे स्थान पर उपलब्ध न हुआ हो तो भी काम किया होगा, और यही तो देश की प्रेरणा है और यही तो देश की ताकत है। मैं आज चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थान पर हिंदुस्तान भर में देश के लिए इस प्रकार से मेहनत करने वाले सभी लोगों की टीम इंडिया की हृदय से बधाई करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता। मैं जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं आप सब पानी में खड़े हैं, जमीन नहीं दिखती है, सब दूर पानी ही पानी था, लेकिन पानी में खड़े रह करके देश के आजादी के दीवानों को याद करने के लिए आना, चंद्रशेखर आजाद को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। और निमित्त चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन आप लोगों ने जो इस प्रकार से कष्ट झेल करके आए हैं, ये नमन हिंदुस्तान भर के लाखों आजादी के दीवानों के लिए है, जो अंडमान निकारबार की जेलों में जिंदगी काटते थे उनके लिए है, जो फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे उनके लिए है, जो जवानी जेलों में खपा देते थे उनके लिए है, जो लोग जीवन भर समाज कल्याण करते करते आजादी का मंत्र गूंजा रहे थे उनके लिए है, जो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे उनके लिए है, जो सशस्त्र क्रांति के मार्ग पर चल रहे थे उनके लिए है। ये नमन उन सभी महान पुरुषों के लिए है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। मैं आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।